वो प्राइस ही है दोस्तों, इसने शर्त लगा रखी है, अगर उठा दो अबे वो 11,000 का गिफ्ट है, पैसे नहीं बढ़े तो ये दूसरी एनिवर्सरी में वो गिफ्ट मेरे से वापस ले लेगी दोस्तों। कर दे तो खा कर देते, थोड़ा सा अपना भी स्वार्थ है, गिफ्ट मिल रहा है। अभी तो लवी हर्षित की शादी होने दे, असली मेहमान तो तब बनेगी। तो इसको एक चीज चाहिए थी दरअसल, तो मैंने इसके लिए बहुत सुंदर सा गिफ्ट तैयार किया। सो गाइस ये देखिए, बाहर तपती धूप हो रखी है और लगभग 45 से 50 टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें बाहर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो हमारा कमरा है उसका टेम्परेचर है मात्र 25, ठीक है। और हम तो इस टेम्परेचर का मजा लेते ही थे, लेकिन मौसा जी की कृपा की वजह से, मौसा जी की वजह से पवन भी शिमला का सुख ले पा रहे हैं। कैसा लग रहा है पवन आपको, आप कुछ बोलना चाहिए? ठीक लग रहा है, लेकिन जो सुख पहाड़ी बाखरी में मिलता है इस समय गर्मी में, वो सुख आपको नहीं मिल पाएगा, वो किसी एसी में नहीं मिल पाएगा। ये कृत्रिम सुख है, हमारे वहाँ नेचुरल सुख है। राइट, ठीक है। तो आज आप कुछ करने वाली है, मेरे को लग रहा है। मैंने तेरे साथ नया एक वर्ड सीखा, कृत्रिम, क्या आर्टिफिशियल? नहीं, वो इंग्लिश तो मैं समझ नहीं, बहुत तेरे को पता है। मैंने पवन की एक चीज देखी है, हमारा क्या, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, करेक्ट, हमारे सारे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी ना, कि तेरी हिंदी बहुत अच्छी थी पहले, तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, पर तूने वक्त के साथ अपनी इंग्लिश अच्छी करी, अब तू ज्यादा टैलेंटेड हो गया। तुझे इंग्लिश भी आती, तुझे हिंदी भी आता है, पूरे ब्लॉग में आवाज सुन के मेरे कान में तेरी आवाज गूंज रही थी ना, और मुझे ऐसा गुस्सा लगा। क्या बोला, कौन सा सुख? कृत्रिम। तो मैंने नया वर्ड सीखा है, कृत्रिम सुख। कृत्रिम इज आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल और रियल इज पहाड़ी में, मतलब हिंदी में वास्तविक, नेचुरल, प्राकृतिक। प्राकृतिक ज्यादा अच्छा वर्ड, ठीक है। तो देखिए, पापा मस्त यहाँ पे एसी के मजे ले रहे हैं, और आज ये ब्लॉग बनाने का इसलिए खास रीजन, और दूसरा एक रीजन है, अब देखो अब एसी चल रहा है, अब पवन इसी वाले कमरे में दरअसल आता नहीं है, ठीक है। पर मैंने कहा अभी तेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, इसको ब्लॉग बनाना था, सब्सक्राइबर बनाना था, इसलिए मेरे को एसी वाले कमरे में आ दिया, मतलब ये संसार है दोस्तों। तो मैंने कहा ये ब्लॉग ही बन जाएगा, और किसी बहाने तो एसी के मजे ले ले, और पापा का सर दर्द हो गया कल्पना की आवाज सुन के, सर पकड़ के बैठे हुए। तो गाइस बेसिकली अभी जैसे आप सब लोगों को पता है कि पवन और रंजना की एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो खैर ये बिना हमें लिए अपना घूमने चले गए, इतना भी पूछा भी नहीं, शादी के बाद ऐसी होता है, ऐसा ही हुआ फिर। अब शादी के बाद सब बदल जाते हैं, भाई भाई नहीं रहता, फिर सबके अपने अपने मका हो जाते हैं, हम भाई बहन से एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। वाह 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 वाह, बस अब हम लोग मेहमान है, कभी कभी ये नहीं, ज्यादातर ये हमारे घर आता है, कभी कभी हम इसके घर जाते हैं। क्या शायरी मारी है डॉक्टर, अच्छी थी ना डॉक्टर कल्पना दीन इस शायरी का तो मतलब समझ, फिर सबके अपने अपने मका हो जाते हैं, फिर सबके अपने अपने मका हो जाते हैं, हम भाई बहन एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। वाह वाह वाह, अभी तो लवी हर्षित की शादी होने दे, असली मेहमान तो तब बनेगी। तो चलिए कहेगा, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि पवन रंजना की एनिवर्सरी थी, तो मैं इनको कुछ गिफ्ट नहीं दे पाई थी, फिर जब पवन आया मेरे पीछे पड़ गया, हाथ धो के गिफ्ट दे। तो इसको एक चीज चाहिए थी दरअसल, तो मैंने इसके लिए बहुत सुंदर सा गिफ्ट तैयार किया, ठीक है। और वो गिफ्ट पवन, वो ऐसा गिफ्ट है कि वो गिफ्ट से ज्यादा तेरे में कर्जा बन जाएगा, क्यों? क्योंकि दैट गिफ्ट विल कम विद अ प्राइस। व्हाट प्राइस? वो प्राइस ही है दोस्तों, इसने शर्त लगा रखी है, अगर वो गिफ्ट जितने में, वो जितने रुपए में वो गिफ्ट आया है, अगर उतने रुपए के बराबर इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, मान लो 5,000 का गिफ्ट है, तो 5,000 सब्सक्राइबर इसके बढ़ने चाहिए, अगर नहीं बढ़े तो ये दूसरी एनिवर्सरी में वो गिफ्ट मेरे से वापस ले लेगी दोस्तों। तो प्लीज, इसका चैनल है कल्पना लोहूमी ब्लॉग्स, ठीक है। मैं उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग अपने चैनल पे करूंगा, तो आप देख लेना कि वो गिफ्ट क्या दे रखा है, अगर आपको भी वो गिफ्ट पसंद आएगा, क्योंकि वो गिफ्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा मेरे को भनक लग गई है उसके अंदर क्या है, तो उस हिसाब से वो गिफ्ट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो चैनल को इसके सब्सक्राइब कर देना, बस 5,000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो। अबे वो 11,000 का गिफ्ट है, 5,000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो। नहीं, 5 बढ़ा दो, 5 तो बढ़ने चाहिए दोस्तों कम से कम, वरना ही मेरे से वापस ले लेगी, ठीक है। इतने सालों से मेहनत कर रही, तो खा कर देते, थोड़ा सा अपना भी स्वार्थ है, गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कर देना दोस्तों, बाकी आप देख सकते हैं कल्पना तो खुश है, लेकिन इसके बॉजी बिल्कुल खुश नहीं है। देखो ये देखिए, मुंडी पकड़ के सो चुके हैं दोस्तों, 11,000 है, मेरी बेटी ने मुझे लूट लिया, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पवन को गिफ्ट देंगे, मम्मी को बुलाती, मम्मी कुछ कहना चाह रही थी, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसलिए कह रही थी कि 5 मिनट का बोलकर एक बोला तो तेरा इसी के अंदर गिफ्ट से ज्यादा पवन के लिए कर्जा हो रहा है। और देखो मतलब, जब जब तू इस गिफ्ट को देखेगा या जब इससे कुछ काम करेगा, तुझे तब तब मेरी याद आएगी, या साया तब तब तेरे आसपास घूमेगा, या तो और जिंदगी भर का ऐसा ना लक्ष्य हो गया दोस्तों। क्या करें, अब मेरे को रोज इसका प्रमोशन करना पड़ेगा वीडियो। वैसे ये तो है, मैंने इसको बोला तू जब जब मेरा गिफ्ट पकड़ेगा या उससे तो कुछ भी करेगा,
तुझे तब तक मेरे गिफ्ट का जिक्र करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ ना, अगर इससे मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है पवन, अगर मुझे इस गिफ्ट से तेरे ब्लॉग के चैनल और मुझे ऐसे रिस्पांस अच्छा मिलता है, सो आई एम प्लानिंग टू माइट बी गिफ्ट यू समथिंग ऑफ योर दिस एप्पल मैकबुक प्रो, नॉट मैकबुक प्रो बट तेरे एप्पल के एनवायरमेंट का मैं कुछ गिफ्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ फायदा हो तो दोस्तों देख लो, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एप्पल का कुछ आए तो आप इसके सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ये नहीं 400-500 बढ़ा रहे हो, 1 किलो शेप भी नहीं देगी। हाँ, फिर गिफ्ट भी वापस चला जाएगा दोस्तों। हाँ। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि पवन के पास एक गिफ्ट रहे तो आपको मेरे कम से कम 11,000 का हम टारगेट लेके चलते हैं पवन। हाँ। क्या बोलते हैं, टारगेट हो पाएगा पूरा? बिल्कुल होगा यार, मुझे भरोसा है लोगों पे। पवन बोल रहा है इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, कल मैं ब्लॉग बंद कर दिया। गाइस आज मेरा कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा था, तो सिर्फ लव यू और मैं आए हैं, मतलब और कोई नहीं, कुछ स्नैक्स खाने के लिए। सो गाइस हमने ऑर्डर कर लिया है, चिकन लगा दिया, फिर अकेले खाते हैं, हमारा वेज वाला भी खा लिया दिमा। अरे यार हाँ, चिली मशरूम तो मैं ट्राई करूंगी, और आज नया मंगाया ना, अरे चल। सो गाइस हमने ऑर्डर कर लिया और पीछे देखिए मैक चलता है, एंड हम घर जाके पैक करा के खाएंगे। ये ना हमारे घर के पास है बहुत, तो हम लोग मुंह उठा के यहाँ पे ऐसे घर के कपड़ों में आ जाते हैं, तब जैसे बन ठन के यू नो, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। गाइज मैं आपको आज दिखाती हूँ कि लवी और मैं कैसे स्कैम करते हैं, नॉट स्कैम, दिस इज स्मार्ट गेम। तो हमारे पास ना रिया पैलेस से कुछ कूपन्स थे, सो गाइज देखो हमने क्या मंगाया, हमने एक चिकन मंचूरियन रहा है, चिली मशरूम, और कितने का बिल आया देखो, ठीक है, और हमने कितने रुपए में खाया देखो, 116 रुपीज में चिकन मंचूरियन ड्राई एंड चिली मशरूम दिमाग। हमारे पास एक्चुअली कुछ कूपन्स पड़े थे, हमारे पास हम रिया पैलेस के ओनर को जानते हैं, हमारे पास प्रीमियम एक्सेस है रिया पैलेस का, और वो हमसे इतना डरते और इतना हमारा सम्मान करते हैं, वो कहते हैं फ्री में ले जाओ लेकिन हम 100 रुपए दे देते हैं, चंदा देना पड़ता है ना, टिप टिप टिप। चलिए दोस्तों फैन की ठंडी ठंडी हवा के साथ खाते हैं, और ये आ गया थम्स अप, टेस्ट द थंडर, और जरूरी है चाइनीज आइटम के साथ, लेट्स सी। ये कंफ्यूज हो रहा है लवी क्या है, हाँ लवी मशरूम ही है शायद, अब देख लवी मुझे टेस्ट करके बताना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। एंड दिस इज माय चिकन मंचूरियन लवी, लेकिन इन्होंने इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला यार, तो तुम्हारे उसमें देखो कितना, कोई मेरे को दे देना है 2-4 कैप्सिकम और प्याज भाई, प्लीज यार मेरे में डाला ही नहीं यार। तो चलिए गाइस हम लोग ट्राई करते हैं, अपना मशरूम भी ट्राई कराओ, चिकन मंचूरियन, चाइनीज आइटम, और ये जो आप बर्गर के पीछे ना थोड़ी बड़ी टेस्टी होती है। और आज मैं आपको वेजिटेरियन होने के नुकसान और नॉन वेजिटेरियन होने के फायदे दिखाती हूँ, एक टेस्ट कर रही हूँ लवी ऑडियंस के लिए, रिव्यू के लिए नहीं करा लवी, छोटा सा करूंगी तो अरे हाँ लवी कराएगा, लवी टेस्ट करा, अच्छा इसमें डाल दे तू, इसमें डाल दे यार, ये देखो ऐसे टेस्ट करना पड़ रहा है इस मेरे को, अरे मशरूम, अरे बस, अरे दो क्यों दे दी, एक ही दो, चलिए इनका मशरूम ट्राई करते हैं, अच्छा रहा है लवी, नाइस, वेरी नाइस।